of honorable supreme court in which they have not permitted the same sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that supreme court of india has accepted the version of the government of india in which it was argued that the court has no power to give this right of same sex marriage. It is the only right of the Indian parliament. Today it has been accepted by honorable supreme court, and we are happy that supreme court has held that this power can't be given to same sex for having the marriage, because India is a ancient country. Indian population is having its values in society. So by not providing this right, we hail the judgment of supreme court on this aspect. आज के इस फैसले का आउटकम क्या मानते हैं सर आप? कानून बनेगा में क्या फायदा हुआ, क्या जोर का झटका लगा या धीरे से लगा, क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है. इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे. लेकिन ये तो अधिकारों का मामला है, ये कह रहे थे अधिकार, और कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनका अधिकार तो है लेकिन वो अधिकार देने का काम संसद करेगी. हम हाँ, यही इसीलिए जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है. हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था. तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं. Sir, there were basically statements made on the adoption, if queer couples can actually go ahead and adopt. What is the clarity on that? Has the adoption rights been given, or has that also not been given? It is yet to be properly studied, and there will be, that is only by mere this statement by the court will not be sufficient. There will be changes will be required in our acts. Without the amendment, that also can't be accepted, that can't be implemented. कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं. और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है. पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है. अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने MP के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए. सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो. जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है. सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, वो कमेटी कब तक बनने की उम्मीद है, सरकार बना देगी? ये अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ. ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है. सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है. थैंक यू.